नॉर्मली बिजनेस तो कभी भी सर्टन नहीं होते लेकिन बिजनेस मैन की अप्रोच के मुताबिक सर्टन होते हैं कैसे एक नॉर्मल बिजनेस का आदमी जो है वो एक पूरी जिंदगी से सौ साल से दो सौ साल से किसी एक ही लाइन में काम करते चले आ रहे होते मसलन मैं एक जानता था एक आसिफ साहब थे जूते बनाते थे अच्छा वो जूते बनाते थे तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब इसको ना एक्सपैंड करते हैं ना कम करते हैं तो वो एक चाचा जो थे जो उनके बैठते थे वो बैठ सर पे बैठे रहते थे लेकिन नई इनोवेशन भी नहीं थी पतावा भी नहीं था कचावा भी कोई चेंज नहीं किया हुआ था कोई थ्रिलर ड्रिलर ये वो कलर मैचिंग नथिंग इज बिन चेंज तो वो इनोवेटिव तो थे नहीं करना बहुत कुछ चाहते थे चमड़ा ले आते थे अच्छा चमड़ा ले आते थे भाई बनाने की प्रैक्टिस क्या है आपका जो जूता है वो शानदार बना है बड़ा लेदर काम्फी है लेकिन लेदर जो है उसके ऊपर जब आपका पॉलिश होता है तो वो पेंट छोड़ जाता है इसकी टेक्नोलॉजी है आपके पास पता चला कि वो नहीं हो सकती मुमकिन नहीं है उसकी मैंने फिगर आउट किया तो रीज़न ये था कि वो कुछ करना चाहता या ना चाहता वो अब साइकिक प्रजेंट का शिकार हो चुका है और वो जो चाचा है जो कि एक सिंबॉलिक चाचा है जो कि के की तरीके से सिर्फ आपके सब कैंट की फ्राइड चिकन का बाबा बन जाता वो उसी तरीके से बैठा है लेकिन बट इन्फ्लुएंशियल अभी भी है अभी भी वो कुछ चीज़ों के अंदर बता रहा है कि ये इतने इतने साइजेस में ये ये जाएगा लेकिन नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसको तब्दील नहीं होने दे रहा ये मैं उस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ और डर भी डाला हुआ है कि फला आदमी यहाँ से गुजरेगा गवर्नमेंट के लोग इतने पकड़ लेंगे इसको एक्सपेंड किया तो ये होगा यूनिट करीब कर लिया तो ये होगा आउटसोर्सिंग ज़्यादा हमने ना की यानी पेंट वाले के पास अलग भेजना पड़ रहा है फलां के अलग भेजना पड़ रहा है तो इन हाउस सब टेक्नोलॉजी नहीं ली तो ना लेने की रीज़न क्या थी वो एक्सपेरिमेंट था जो करना ही नहीं चाहते थे ये वो टेस्ट थे जो वो करना ही नहीं चाहते थे तो अब इस एविडेंस को हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर वन यहां पे जी एलस्टोन एट एल जो है इसमें 2006 के अंदर रिसर्च कंडक्टेड आर्टिफिकुलेटेड फील्ड एक्सपेरिमेंट रिक्रूटेड इन 182 सब्जेक्ट आउट ऑफ द पार्टिसिपेंट तो उन्होंने एक किस्म का एक आर्टिफिकुलेट किया और आर्टिफिशलिटी बेस्ड उन्होंने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया जिस तरह मैंने आपके सामने अर्ज की एक कॉमन एग्जाम्पल दी कि मैंने अभी तक देखा है कि जूते बनाने की और जूते सनतकारी की जो लेदर बेस है वो हमारी बहुत बड़ी बन जाती एंड आई माई सेल्फ इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस बट हमारी ये मार्केट बहुत बड़ी बन जाती है अगर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती लेकिन जो बनाने वाला है उसका माइंड सेट नहीं चेंज हो रहा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है माइंड सेट की इसी तरीके से मैं टर्की भी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ अगर आप जाए और उसके अंदर आपको मैं क्लासिफाइड करके नहीं बता सकता लेकिन आप शूटिंग और शूटिंग की मार्केट को देखें तो एक्स्ट्रा उन्होंने पैडिंग काम किया जो आप नपेल से देखते हैं तो ये पैडिंग होती है अच्छा पैडिंग पर अगर आप देखें तो उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया लेकिन जिस काम पर नहीं किया वो ये है कि मुख्तलिफ इनोवेशन ऑफ कपड़ा तो लेकर आ गए लेकिन उसकी जो है वो उसके अंदर डिस्पोजेबल रहता है यानी उसके जो लाइफ है कपड़े की उतनी ज्यादा नहीं है तो अगर वो उसमें इंप्रूव कर लें तो बहुत है इसी तरीके से वेपनरी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा किया सेंसिटिव पार्ट्स के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन जाती तो जिनके अंदर आपके हम देख सकते हैं खैर टेस्ट की तरफ देखते हैं कि जहां पर ये रिसर्च कंडक्ट होती है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या मिलते हैं जी ट्वेंटी थ्री परसेंट वर्क एंटरप्रेन्योर्स अब वो लोग जो कि वो आंटरप्रन जिनका जहनी तौर पर रुझान है और वो चाहते हैं कि हमने कंप्लीट आंटरप्रनशिप ही करनी है देखिए रेजिडुअल मार्केटिंग है बैंकिंग है क्रेडिट बैंकिंग है क्रेडिट सेक्टरिंग है ह्यूमन रिसोर्स है फ्लां है अब पाकिस्तान के अंदर देखो मैं आपके जो नया परसेंटेज निकला है बेसिकली तो मैंने इसको पॉलिटिकल आइडिया के मुताबिक निकाला था आपका 43.3 परसेंट जो है वो 18 से 23 साल के लड़के निकलेंगे लड़के और लड़कियां यंग यानी आपके यंग लोग जो हैं वो 43 थ्री टू फोर्टी परसेंट वोटर्स आपके बनेंगे इसी तरीके से यंग में ही आपके 30 परसेंट टोटल 70 परसेंट प्लस क्रॉस करने वाले हैं आप इतना बड़ा वोट बैंक आपको मिलेगा यही अगर मैं ट्रांसफर करना चाहूँ कि इनमें आंटरप्रन कितने हैं जी इनमें मैक्सिमम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भर्तियाँ हो जाए ये मैं आज माइंड तक ये माइंड नहीं समझ सका और ये माइंड नहीं तब्दील हो रहा वो चाहते हैं कि सुबह हमारी मार्क एक अच्छी नौकरी हो और ये माइंड सेटअप भी प्रिवेल करेगा अगले दस साल तक कई दफ़ा क्योंकि उनको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है कि वो कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं कोई तब्दील कर सकते हैं कुछ बना सकते हैं कुछ बना यानी बैरिंग कैपेसिटी नहीं है एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें और पल्ले से बांध लें आपके अंदर जब बैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी यानी आपको पता होगा कि यार मैं एक साल वेट कर रहा और अगले साल जो चीज़ मैं कर रहा हूँ एक दफ़ा मैंने आवाम को दिखा दी उसके बाद वो चीज बिक जाएगी अगर इतना हौसला हो आप बन जाते हैं, हैं? हैं हैं तो ये ये कौन से लोग है? ये 23% जो समझते हैं कि इन एंगेज्ड इन बोथ सैलरी बेस्ड एंड इन बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज तो मेरे सैलरी आती रहे और साथ साथ जो है वो हम बिजनेस एंगेज करते रहे completely रिजेक्ट दिस आइडिया somehow हाओ ठीक है लेकिन आप इधर से आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि छः बजे तक जाना है या आप उसके अंदर से कोई माड़ी लगाएंगे या इधर से लगाएंगे आपने इधर से तीन चार और प्रोजेक्ट्स पकड़ लिए फिर आप नींद का टाइम ज़ाया करते हैं नींद आप नहीं लेते अच्छी बात है आई डोंट माइंड आपको तीन से चार घंटे से ज़्यादा जवानों को सोना भी नहीं चाहिए आई डोंट नो दो रिकमेंड कि आठ घंटे सोएं और तकरीबन आठ ही घंटे की वॉक कर लें और बाकी सारा दिन जो है ना वो खाप देखे नहीं होना चाहिए आपको गुस्सा आना चाहिए आपको sense of rejection आनी चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपसे कोई काम गलत हो गया अगली दफा आपको ठीक करने का हौसला आना चाहिए सो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि ये जो ये वाली बेस है ये बढ़ती जा रही है एंड द रिमेनिंग ऑफ ग्रुप गिवन दैट देख

ऐसा होता नहीं है तो so, रिस्क की किम है एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स आया जी और आप सब आंटन है उसके लिए मैं उन सब को जो आगे मैनिफेस्टो बनाने वाले भी हैं सरकारी लोगों को भी हुकूमत बनाने वालों को भी यहाँ से अगर मुझे कुछ सुन रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे फोर्सेस के लोग भी बाज़ात पढ़ रहे होते हैं आ, उनको भी हमारे सियासतदानों को भी ये सब लोगों को मैं बताऊँ और पॉलिसी मेकरस को खास तौर पर तो हमारा सेवेंटी परसेंट यूथ जो है उसको डिवाइड पर ना खेले आपके जो बड़े लोग हैं अक्सर आपके जो बड़े हैं आपके जो आपको जो मशवरा देते हैं तो कहते हैं ना नौकरी कर तो इस तरह कर ना थोड़ा जा काम भी कर डू नॉट डू दैट ये आपको फायदा नहीं देगी वजह कि वो ये है कि फुल टाइम अगर ये रिस्पॉन्स आपको दे रहा है फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप पर लेस रिस्क की रिस्क अवर्स कंपेयर टू बोथ पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर इन कंट्रोल को Nevertheless, they find the part time entrepreneurs do not differ significantly from the control group, and finally, they can't reject the hypothesis of risk neutrality of entrepreneurs over the income interval applied, providing supporting evidence to the theoretical predictions. Now, moving on to the experiment 2.

इनिशियली बच्चे बड़े डेजिगनेशन के साथ जाना चाहते हैं वो कहते हैं मिचल्स के साथ काम किया हमने पैकेजेस के साथ काम किया जस्ट टू लेट दम नो कि हमने कुछ काम सीख कराएंगे इट इज वेरी गुड आप अपने 21-22 साल तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर लें आप एक्सपोजर लीजिए एंड तेजी से उसके डिफाइन मोमेंट पे उस हमेशा मैक्रो का मै, माइक्रो बनाने की कोशिश कर मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छी देने लगा हूं यहाँ पर वो एग्जाम्पल रुक के सुनिए स के सुनिए मुस्कुरा के सुनिए समझिए आपने फॉर एग्जाम्पल आप चैनल नहीं बना सकते तो आप अपने आप को बनाना शुरू कर दी आप, आप इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी महंगा इंडस्ट्री देख रहे हैं वो अगर बहुत बड़ी यानी स्टेशनरी और किताबें बनाते, बनाते हैं आप गत्ते की छोटे वाली कॉपियाँ बनाना शुरू करते हैं कुछ बहुत बड़ी नर्सरी बनाते खे, हैं आप छोटी नर्सरी बना दें कुछ बहुत बड़ी यानी खेपें बनाते हैं आप फोटो की दुकान बना लें सो so, आप मैक्रो को माइक्रो कर मैक्रो को माइक्रो कर लें इसकी बड़ी एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा आ, टाउन प्लानिंग के अंदर एक ही पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर तो पे एक ही बड़ा मेगा आदमी निकला जिसने डिलीवर करके दिखाया उसने कहा सरकार बहुत बड़ा करती है मैं बहुत छोटा कर देता और उस छोटे के अंदर फर्क इतना है कि वो बड़ा करती है और मैं छोटा करता हूँ तो छोटा करने की अप्रोच जो है यानी द बेस्ट करने की अप्रोच वो आपके अंदर होनी चाहिए यही एक्सपेरिमेंट बताता है and the remaining both college student the choice of which acted as control group the experimental mechanism there were in total uh, three different uh, treatments and within subject design including an individual treatment where each subject were choosing individually one then a group treatment where subjects group of three needed to research and consensus via voting regarding a risk choice.

मैं यहीं पे कन्फाइन करने वाला हूँ और मैं इससे आगे नहीं चलूंगा और इसके अंदर आप सिंपल ये समझ लें कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनका सब कुछ जब स्टेक पे लगता है रिस्क ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाता है आसान समझा रहा हूं समझ लीजिए जब आपका सब स्टेक पे होगा आपका सब रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा आपके रिस्क के फैक्टर्स मिनिमाइज हो जाएंगे और आगे वो जो इस चीज की बहस वो करते हैं वो आप खुद देख लीजिएगा कि सेलिड है नॉन सेलिड है वो बिहेव कैसे करते हैं उनका बिहेवियर ही डिफरेंट होगा और उनका बिहेवियर इसलिए डिफरेंट और पब्लिक सेक्टर एक सर्टन प्राइस आ जाना उसके अंदर उनकी रिस्क नहीं होती याद रखिए माई लाइफ इज एट वर्ज कभी क्लाइंबिंग किया आपने आई बिन टू खुंजराब वहां पे मैंने एक पहाड़ के अंदर मेरा हाइपोग्लेम रेट बढ़ गया और uh, मेरे शुगर लेवल डाउन हो गया ऑल दो मेरा पोर्टर के पीछे एक आदमी भी था शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा था लेकिन वो था अच्छा मैं एक रिस्क मैनेजर लेकर गया था लेकिन मुझे उस वक्त भूल गया कि और मेरे क्योंकि सेल्स को वो ब्लड और ऑक्सीजन जा ही नहीं रही थी तो वहां से मुझे लगा कि अब इस पहाड़ से नीचे मैं डायरेक्ट जाऊंगा और मुझे सिर्फ इतना पता था कि कितने हज़ार फुट की बुलंदी से मैं गिरूंगा अच्छा मैंने उतनी देर में वो छोड़ दिया सो so, फिर मुझे यकदम एक आइडिया आया कि मैंने ये छोड़ तो देना है किसी एक टिप के ऊपर खड़ा हो करके उसके ऊपर ओट लगा लीजिए अच्छा ये एक एक पॉइंट मैंने पैर को फिसला कर एक, एक यानी जगह पे फंसा दिया अच्छा मुझे लगा कि हमेशा के लिए फंसेगा मतलब आपके फिक्शंस दिमाग में चल रही होती लेकिन अब विद इन द मोमेंट आपके साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल आपकी बायोलॉजिकल आपकी पूरी मूवमेंट बड़ा अजीब सा काम करती तो वो मैंने कर दिया बाद में बहरहाल थोड़ी देर बाद जब मैं संभला तो वो खतरनाक बिल्कुल यानी स्लोप में भी नहीं थी नाइन की वो तकरीबन वो दे रही थी मुझे स्लोप अच्छा उसके ऊपर से जब मैं निकल गया बहरहाल तो मैंने कहा तुमने मुझे कितना किया और कुछ हो सकता था कहता है, नहीं वो मैं रॉड रोप लगा के आपको बचा तो लेता थोड़ा सा तो जख्मी होते लेकिन रोप लगा देता लेकिन वो तो बड़ा रिस्क मैनेज हो ही जाना था यानी डेथ गारंटी uh, तो नहीं कह सकते कि डेथ नहीं होती लेकिन ये हो सकता था कि ज़ख्मी हो सकते थे रोब लगाते थे तो मैंने कहा इसके करने से क्या हुआ कहता है, आप जब ढीले हो गए थे तो आपको उसने रोक लिया अगर आप बिल्कुल फ्री फॉल पर चले जाते तो रोब लगाता उसमें आप कितना नुकसान होता ब्रेन डैमेज होता फ्लान डैमेज होता तो जो आपकी रेमेडी थी उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ सकती थी उसमें बड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है थर्ड टू तो डेथ भी हो सकता है और बाकी रेमेडीज भी आ सकती हैं बट मौके के ऊपर सिचुएशन अब यहां मैंने जो बताया आप जरा गौर से सारा कुछ पढ़ लें जैसे रिगार्डिंग रिस्क वर्जन वाले लोग आगे कामयाब नहीं होते ये वो लोग हैं जो प्रेफर करते हैं रिस्क को और रिस्क को प्रेफर करने वाले आपको सिचुएशन आती है और सिचुएशन में जो लीडरशिप आती है वो आप होते हैं आप ही होते हैं और सिर्फ आपके साथ आप ही होते हैं सो दिस इज मजाक में भी कहते हैं मैं और मेरे साथ भी मैं ही हूं तो दिस हाउ यू ट्रीड योर सेल्फ के आपने किस तरीके से रिस्क को मिटिगेट करना है दिस इज सो फार द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इससे बात साबित होती है और तय होती है कि जो रिस्क सीकिंग लोग होते हैं जो रिस्क एवर्जन लोग होते हैं उनसे फर्क होता है और फायदे वाला वही होता है जो रिस्क टेकर्स होते हैं और रिस्क अवर्जन को अवॉइड नहीं करते थैंक यू वेरी मच